हे यू ऑल माई गॉडस वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर हॉल वीडियो सो गाइज आज का ये जो मीशो हॉल है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो के फ्लोरल पैटर्न में कंप्लीट कुर्ता सेट्स जो कि अंडर सेवन फिफ्टी रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल यू नो मल्टी कलर्स के इस पर फ्लोरल प्रिंट हो रखे हैं एंड ये हर इंडियन स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छे से जाएंगे न्यूट्रल शेड्स हैं एंड ये जैसे कि मैंने बोला अंडर सेवन फिफ्टी रुपीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है किसी भी सेमी लाइट ओकेजन में वेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट है चाहो तो इनको ऑफिस में या फिर किसी भी एथनिक डे में वेयर करके फ्लॉन कर सकते हो काफी ग्रेसफुल कलेक्शन है इनके जो डायरेक्ट लिंक्स है मीशो के वो आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so दैट आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो उन लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो को प्लीज एंड तक देखना आप लोगों को पसंद आती है यूजफुल लगती है तो लाइक और कॉमेंट कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे इसी तरीके की अच्छी अच्छी एंड डिफरेंट कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने को एंड ऐसे ही फैशन हॉल वीडियोज आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रांग बनाइएगा अब चलिए जल्दी से

है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी एंड जरी एम्ब्रॉयडरी है एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है आप पूरा देख सकते हो, इस का ना आपको uh, you know, फिरोजी, फिरोजी यूज करे हैं एंड ये प्रिंट आप देख सकते हो पास से भी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लग रहा है तो इसकी लुक ऑल ओवर कुछ ऐसे रहेगी कुर्ते की, की स्लीव इसमें हमको मिलेंगी थ्री फोर्थ एकदम सिंपल प्लेन प्रिंटेड स्लीव है फैब्रिक प्रिंट है आप इस कुर्ते को या फिर इस सेट को जो हो घर पे भी इजी हैंड वॉश कर सकते हो नीचे तक या आपको इसी फ्लोरल पैटर्न पे दिखने को मिलेगा सच ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स का स्ट्रेट फिट का कुर्ता है ये इसकी फिट बहुत अच्छी आई है एंड ये काफी ज्यादा क्लासी लगता है वेयर करने के बाद बाकी बैक साइड पर आप देख सकते हो पूरा इसी फ्लोरल पैटर्न पर आपको ये मिल जाएगा ये देखिए तो ये हो जाता है गाइज इसका ब्यूटिफुल सा कुर्ता इसके साथ इन्होंने जो बॉटम वेयर दिया है वो रहेगा कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में ही बट ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है फुली इलास्टिकेटेड पैंट है इसमें साइड में ड्रॉ स्ट्रिंग्स हैं तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड इसके साइड पे हमको जो है वन साइड पॉकेट प्रोवाइडेड है सो so देट आप इसमें कुछ भी कैरी कर सकते हो आराम से फिट की अगर हम बात करें तो एकदम रेगुलर फिट की पैंट है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल एंड प्यारा कलर है और ये काफ़ी कॉमन कलर होता है जो कि आपकी यू नो और कुर्तीज़ के साथ भी मिक्स एंड मैच हो जाएगा तो कंट्रास्ट में आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है कंप्लीट सेट इसके साथ इन्होंने जो दुपट्टा दिया है वो शिफॉन का रहेगा जिसकी लेंथ और वर्थ एकदम कम्प्लीट है और इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ वर्थ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है कुछ इतनी विर्थ हो जाएगी एंड लेंथ भी पूरी है बाकी ये वाला जो पैचवर्क है जो कि इसके कुर्ते के फैब्रिक का था ये आपको इसकी लेंथ और वर्थ में कम्प्लीटली मिलने वाला है एंड बीच में ये पूरा इसी तरीके से जो है आपको फूसिया पिंक कलर का दुपट्टा मिल जाएगा ये देखिए तो कुछ इस तरीके कुछ इस तरीके की इसकी लुक हो जाती है दुपट्टे की बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और आप ऑन में देख सकते हो कि इसकी लेंथ और वेथ बहुत अच्छी आई है मेरी हाइट फाइव फोर है उसके अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट लेंथ एंड फिट के साथ मुझे मिला है तो यस अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो जरूर कीजिएगा का, काफी नेक्स्ट जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना ये जैसे ही मुझे रिसीव हुआ था मेरे मुंह से निकला वाव आई मीन रियली वाव बहुत ही यू नो फ्लोरल पैटर्न पर हमको ये येलो शेड का मिलेगा अगर आप इसको हल्दी के आउटफिट में वेयर करने की सोच रहे हो तो बहुत प्यारा लगने वाला है और आप एकदम डिफरेंट लगोगे इसको वेयर करने के बाद कुर्ते का जो फैब्रिक है वो है कॉटन एंड रियॉन मिक्स ये काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका एंड अगर इसके नेक की बात करें तो कुछ इस तरीके का ना राउंड नेक आपको मिलेगा हल्की सी यहां पे स्लिट के साथ ये इन्होंने क्रोशे की लेस डिटेलिंग दे रखी है ये देखिए ऑफ वाइट कलर की पूरी क्रोशे की लेस डिटेलिंग है एंड जस्ट लुक एट दिस प्रिंट गाइज बहुत ही प्यारा लेमन शेड है जिसके ऊपर ये पूरा लाइट पिंक पीच कलर का जो है एंड येलो कलर का आपको ये फ्लोरल पैटर्न देखने को मिलेगा साथ में बटरफ्लाइज वगैरह हैं तो ये प्रिंट तो मतलब गजब लगा मुझे एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है एक फ्रेश लुक देता है आपको वेयर करने के बाद तो इसकी लुक फ्रंट में कुर्ते की कुछ ऐसी हो जाएगी स्लीव्स की बात करें तो थ्री फोर स्लीव्स रहेंगी सेम फैब्रिक प्रिंट में एंड यहाँ पे आपको लास्ट में जो है कुरोशे की लेस डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी सच अ वंडरफुल पीस गाइस एंड यस आज के जो कुर्ता सेट्स हैं वो इतने अफोर्डेबल हैं कि आप अपने लिए भी ले सकते हो और किसी को गिफ्टिंग ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो गाइस इस कुर्ते की जो पूरी लुक है आपको नीचे तक कुछ इसी तरीके से पूरे फ्लोरल प्रिंट में दिखने को मिलने वाली है जस्ट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशंस सच अ ब्यूटीफुल पीस गाइस पीछे आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर दिखने को मिल जाएगा इसका फिट भी बहुत अच्छा आया है तो ये है हैगा इसका कुर्ता एंड इसका जो बॉटम वेयर है ना वो भी सेम इसी फैब्रिक का और यू you नो know, प्रिंट में आपको मिल जाएगा फुली इलास्टिकेटेड है ये देखिए कुछ ऐसे एंड इसमें भी हमको साइड में जो है पॉकेट प्रोवाइड करा रखी है तो आप इसमें कुछ भी आराम से कैरी कर सकते हो बाकी अगर फिट की बात करें तो एकदम रेगुलर फिट में हमको ये पैंट मिल जाएगी इसकी जिसके नीचे हमको ये क्रोशे की लेस डिटेलिंग मिली हुई है जस्ट लुक एट दिस एंड येस इसके साथ जो इन्होंने दुपट्टा दिया है वो तो और भी ज्यादा ग्रेसफुल है आपको कोटा डोरिया फैब्रिक में इसका दुपट्टा मिलेगा लेमन येलो कलर का ही है कुछ ऐसे एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है काफी अच्छी खासी लेंथ और है इसकी विर्थ आप देख सकते हो पीको हो रखी है एंड जस्ट लुक एट दीज क्यूट बटरफ्लाइज आपको पूरे दुपट्टे के बीच बीच में ये पिंक और ब्लैक कलर की ना बटरफ्लाई एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी जो कि थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है और विर्थ भी जस्ट लुक एट दिस दुपट्टा यू गाइज आई मीन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है है। इसको ना मतलब किसी की हल्दी का फंक्शन है अगर उसको भी अगर आप देते हो ना तो मतलब दिल खुश हो जाने वाला दुपट्टा और इसका पूरा सेट है तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी ऑन को देखो अगर आपको समझ में आ रहा है ना इसको लेने में बिल्कुल भी शेयर करने वाली हूं वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है एंड काफी वायरल हो रहा है ये वाला कुर्ता सेट जो कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से इस तरीके के ना लाइट ग्रीन पिस्ता कलर होता है ना कुछ वैसा मिल जाएगा तो सबसे पहले हम इसका कुर्ता देखते हैं तो कुर्ता मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से कॉटन ब्लेंड फेब्रिक है इसका काफ़ी ज्यादा सॉफ्ट है ये भी और स्किन फ्रेंडली है आप आराम से कर सकते हो। इसमें वर्क के साथ की है और ये वाला आप एम्ब्रॉयडरी और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो तो कुछ ऐसा इसका एंड दिस इज द फ्लोरल प्रिंट इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मतलब ना इसमें इस तरीके के कलर्स यूज करे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं है एंड डल भी नहीं है हर स्किन कॉम्प्लेक्शन के ऊपर लुक कुछ ऐसी फ्लोरल प्रिंट आपको पूरे कुर्ते के फैब्रिक में मिलेगा स्लीव इसमें थ्री फोर्थ मिलेंगी एकदम सिंपल प्लेन फैब्रिक प्रिंट में है एंड कुर्ता जो है आपको स्ट्रेट फिट में मिलेगा नीचे तक आप देख सकते हो ये पूरा फ्लोरल प्रिंट कुछ इसी तरीके से रहने वाला है सच आ स्टैंडिंग पीस ये भी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगता है इसको आप किसी भी सेमी लाइट ओकेजन में वेयर कर सकते हो फ्लॉन्ट कर सकते हो एंड इन बजट भी है बैक साइड पे भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा फ्लोरल पैटर्न पूरा दे रखा है इसमें ये देखिए जस्ट लुक एट दिस बहुत ही प्यारा एंड ग्रेसफुल पीस है ये भी तो ये हो जाता है इस कुर्ता इसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी दे रखी है पैंट जो कि यू नो कंपेयर करें तो हल्का सा लाइटर शेड है इसका कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में ही रहेगा ये फुली इलास्टिकेटेड है साइड में इसमें भी हमको पॉकेट प्रोवाइडेड है अच्छी डेप्थ है पॉकेट की एंड फिट की अगर हम बात करें तो रेगुलर फिट में मिल जाएगा कुछ इस तरीके से पैंट स्टाइल है बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है ये वेयर करने के बाद एंड इसका फैब्रिक भी काफी सॉफ्ट है नव दुपट्टा इसमें हमको मिलेगा शिफॉन फैब्रिक का जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है फुल लेंथ एंड वर्थ के साथ मिल जाएगा इसकी विर्थ मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए कुछ इतनी इसकी विर्थ हो जाएगी लेंथ भी पूरी है बाकी इसकी फिट के लिए और इनके मेजरमेंट्स के लिए आप ऑन से आइडिया ले सकते हो बाकी इसके चारों तरफ हमको ना ये वाला इसका फ्लोरल पैटर्न जो कुर्ते का फैब्रिक था ना वही वाला पैच मिल जाएगा चारों तरफ ये विर्थ पे भी है एंड लेंथ पे भी है तो आप देख सकते हो बहुत सटल है जिनको यू you नो know, हल्के शेड्स वेयर करने पसंद हैं यू नो स्पेशली जिनको न्यू शेड्स वेयर करने पसंद हैं तो उनको ये वाला कलर लाइट पिस्ता कलर काफ़ी पसंद आने वाला है तो येस yes, मैं इसको भी डेफिनेटली हाईली रिकमेंड गाइज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल आप अनारकली बोल सकते हो या फिर गाउन बोल सकते हो जो कि आपको विद दुपट्टा मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको ये जॉर्जेट फैब्रिक में मिल जाता है आपको अभी ये स्लीवलेस कंडीशन में मिलेगा बट इसमें ना इस

है वो काफी ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं आप देख सकते हो कुछ ऐसा वर्क है तो इसका जो योग पार्ट है वो कुछ ऐसे हो जाएगा वेस्ट तक एकदम प्रॉपर फिट है उसके बाद इसमें बहुत ही हल्का सा ना आपको प्लीटेड पैटर्न दे रखा है एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो नीचे तक आपको पूरा सॉलिड इसी शेड का मिलेगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसका घेर कुछ इतना हो जाता है एंड इसकी लेंथ गाइस बहुत अच्छी खासी है मेरी हाइट 5'4 है एंड उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये फ्लोर लेंथ आ रहा है नीचे से हमको ये सेम कलर की लाइनिंग प्रोवाइडेड है सो so दैट ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड थ्रू नहीं होगा तो इसका लुक जो है ना कुर्ते का कुछ ऐसे हो जाता है आई मीन ड्रेस का एंड बैक साइड पर जो है हमको ये पूरा प्लेन मिलने वाला है ये देखिए पूरा सॉलिड कलर का प्लेन रहेगा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है इसके साथ वैसे तो अंडरनीथ कोई भी बॉटम वेयर पेयर करने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो कोई भी लाइट शेड का जो बॉटम वेयर हो ना वो आप पहन सकते हो इसके साथ ना दुपट्टे की अगर हम बात करें तो सेम शेड का और सेम फैब्रिक का हमको इसमें दुपट्टा मिलेगा जिसकी लेंथ और वर्थ कम्प्लीट है एंड इसके साइड पर ना इन्होंने कुछ इस तरीके का ये जो बड़े बड़े वाले सीक्वेंस का जो लेस uh, होता है ना ये लगा रखा है गोल्डन कलर का ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हार्श नहीं है आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड ये दुपट्टे मतलब आपके फैब्रिक को ना छिजेगा भी नहीं काफ़ी अच्छा है तो ये हो जाती है इसकी वर्थ दुपट्टे की एंड लेंथ भी इसकी अच्छी खासी आई है ऑल ओवर वेयर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड क्यूट लगता है तो अगर आपको स्पेशली कोई डे फंक्शन अटेंड करना है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंड नेक्स्ट का आपके साथ शेयर करूँगी एक प्यारा सा कुर्ता सेट जो कि कुछ ऐसा है एंड ये भी आजकल बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है मीशो पर इनफैक्ट अमेज़ॉन पर भी इसका जो फैब्रिक है वो भी कॉटन ब्लैंड रहेगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है एंड आई थिंक ये सिंगल कलर में ही अवेलेबल है कुछ ऐसा इसमें राउंड नेक मिलेगा आपको गोल्डन पाइपिंग वर्क के साथ एंड यहाँ फ्रंट में ना हमको ये पूरा गोटा पट्टी की तरह जो लेस डिटेलिंग होती है कुछ वैसी सी है एंड यहाँ साइड में पूरा जरी का एम्ब्रॉयडरी है सीक्वेंस वर्क के साथ ये भी एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है एंड इसकी लुक कुछ ऐसे हो जाती है बाकी ये छोटे छोटे ना फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी आपको पूरे कुर्ते के फ्रंट में दिखने को मिल जाएगी मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए कुछ ऐसी जो है इसकी लुक हो जाएगी पूरे कुर्ते की तो इसमें काफी अच्छा प्यारा काम किया हुआ है किसी भी सेमी लाइट ओकेजन में वेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट है और नीचे जो है ना इसके फ्रंट पोर्शन पे आपको सेम यही एम्ब्रॉयडरी एंड गोल्डन पाइपिंग का वर्क मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा तो ये हो जाता है गाइज इसका फ्रंट पोर्शन बात करें अगर हम इसकी स्लीव की ना तो स्लीवस में भी हमको पूरा यही वाला फ्लोरल जरी एंड सिक्वेंस एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा आगे भी और पीछे भी ये देखिए कुछ ऐसे एंड एंड पे जो है इसकी स्लीव पे हमको सेम यही वाला एम्ब्रॉयडरी जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा सिक्वेंस एंड पाइपिंग का वर्क दे रखा है तो ये हो जाती है इसकी स्लीव्स कुर्ते का फ्रंट आपने देख लिया कि कुछ इस तरीके से है बाकी ट्राई ऑन देख सकते हो एंड बैक साइड पे हमको ये पूरा प्लेन कलर का मिल जाएगा कुछ ऐसे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यू you नो know, uh, डिसेंट शेड है न्यूट्रल कलर है डार्क टोन्स पे भी बहुत अच्छे से जाएगा एंड फेयरर मीडियम पे भी बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ बॉटम वेयर इन्होंने सेम फैब्रिक का और सेम शेड का दिया है जो कि फुली इलास्टिकेटेड रहेगा साइड पे हमको पॉकेट प्रोवाइडेड है एक एंड अगर हम इसके फिट की बात करें तो एकदम रेगुलर फिट का पैंट है ये देखिए कुछ ऐसे कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो काफ़ी अच्छा खासा काम रखा है इसमें बट ये लाइट वेट है वेयर करने पर तो इसको हम वेयर करके आराम से दिन भर रह सकते हैं न इसमें जो इन्होंने दुपट्टा दिया है वो आपको नेट फैब्रिक का मिल जाएगा नेट इसका काफी सॉफ्ट है एंड नेट इसके दुपट्टे में ना आपको इतनी विर्थ मिल जाएगी एग्जैक्टली exactly, दुपट्टे की वर्थ की जितनी भी नहीं है और स्टोल भी नहीं है समवेयर इन बिटवीन कुछ ऐसा इसका रहेगा एंड ये वाला पूरा गोल्डन कलर का लेस डिटेलिंग जो होता है ना इसके लेंथ और वर्थ में आपको मिल जाएगा बीच में पूरा सॉलिड कलर का है ये जैसे कि कुर्ते का कलर था कुर्ते का या फिर बॉटम वेर का बोल लो आप ये देखो कुछ ऐसे ये पूरा इसका दुपट्टा हो जाता है बाकी ट्रायल में देखो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको भी फटक से ले सकते नागा इस अब आपके साथ शेयर करूंगी एक ट्यूनिक जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है कुछ इस तरीके से ना आपको चेरी रेड वाइन कलर का मिल जाएगा ये वाइन कलर तो नहीं है बट चेरी रेड कलर है एंड दिस इज सच पीस आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा ये राउंड नेक है और यहाँ पे आपको ये पूरा आरी वर्क मिल जाएगा वाइट कलर का जो कि मशीन वर्क है पूरा का पूरा जस्ट लुक एट दिस बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है कोई थ्रेड नहीं निकल रहा क्योंकि कईयों के ना इतने ढीले वाले वर्क होते हैं ना ये कि धागे निकल रहे होते हैं बट इसका बहुत अच्छे से पूरा वर्क हो रखा है तो इसकी लुक आप देख सकते हो फ्रंट में कुछ ऐसी रहेगी ट्यूनिक है ये शॉर्ट ट्यूनिक एंड इसमें आपको स्लीवस मिल जाएंगी थ्री फोर्थ जिसमें कि ये पूरा फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है ये देखिए यहाँ पे लास्ट पे भी और यहाँ बीच में भी तो ये काफ़ी बटी लगता है तो इसकी लुक कुछ ऐसी है वेस्ट तक ये एकदम आपको फिट रहेगा एंड उसके बाद इसमें हल्का सा ना प्लीटेड पैटर्न दे रखा है और नीचे भी आप देख सकते हो ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको इसमें दिखने को मिल रहा है ये देखिए पूरा ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है इसके फ्रंट में एंड बैक साइड पे भी रहने वाला है तो अगर मैं इसका फ्रंट दिखाऊं आपको ना कुर्ती का तो ये कुछ ऐसे हो जाता है इसका फ्रंट पोर्शन एंड बैक साइड का जो अपर पार्ट है वो आपको प्लेन मिलेगा बट नीचे से आपको ये वाला एम्ब्रॉयडरी का वर्क पीछे भी मिलेगा एंड ये जो है आपकी वेस्ट तक इसमें इन्होंने लाइनिंग प्रोवाइड करा रखी है ये देखिए वेस्ट लाइन तक ओनली यहाँ पे हमको सेम शेड की लाइनिंग दे रखी है तो इसका जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है एंड ऑल ओवर लुक इसकी कुछ ऐसे हो जाती है वाइट पैंट्स के साथ ये औसम awesome लगने वाली है या फिर आप अपनी वाइट डेनम्स के साथ वेयर कर सकते हो वाइट ट्राउजर्स के साथ जाएगी वाइट कलर का आपके पास शरारा है गरारा है वाइट कलर का जो मर्जी है ना उसके साथ ये बहुत प्यारा लगने वाला है तो येस yes, मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी आई थिंक इसमें और कलर ऑप्शन भी हैं तो आप एक बार ट्राई कर लेना क्योंकि मैंने इसमें और कलर्स देखे थे अदरवाइज इसका ये वाला कलर भी बहुत साथ शेयर करने वाली होना लिटली दिस हैज माई हार्ट सच अ ब्यूटिफुल साड़ी तो कलमकारी साड़ी है फ्लोरल प्रिंट में हमको मिलेगी एंड यू गाइस मतलब इतनी प्यारी है ये कुछ ना कॉटन मिक्स इसका फैब्रिक है कॉटन रेन टाइप्स का इसका फैब्रिक है बट दिस इज़ सच अ अप्रिटी पीस ये आपको फुल 5.5 पॉइंट मीटर्स में मिल जाएगी एंड इसका ब्लाउज जो है वो रनिंग में आपको एट्टी सेंटीमीटर्स का मिल जाएगा तो इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक सेकेंड इसका ना सबसे पहले हम ब्लाउज पीस देख लेते हैं पूरी फ्लोरल प्रिंट में और इतनी प्यारी लग रही है सिंगल कलर में ही है ये ये देखो ये ना इसका ब्लाउज पीस है पूरा कुछ इस तरीके का ब्लू शेड के ऊपर हमको ये डार्क पीच कलर का ना फ्लोरल प्रिंट देखने को मिल जाएगा ये वाला जो पोशन है ना पूरा ये इसका ब्लाउज पीस है और ये जो आप लाइन्स देख रहे हो ये वाली गोल्डन जरी वर्क ये वीविंग में है ऑल ओवर पूरे फैब्रिक में आपको मिलने वाली है साड़ी में भी एंड इसके ब्लाउज पीस में भी तो ये हो जाता है इसका ब्लाउज एंड दिस इज दी साड़ी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल है ये इसका ऊपर का बॉर्डर है और बीच में आप देख सकते हो ये पूरा फ्लोरल प्रिंट आपको मिलने वाला है एंड देन इसके सबसे नीचे वाले पार्ट पे भी आई I मीन mean, दोनों ही साइड्स पे बॉर्डर पे आपको ये वाला ट्रायंगल पैटर्न मिल जाएगा एंड बीच में ये पूरा फ्लोरल पैटर्न है जस्ट लुक एट द साड़ी गाईज सच आ स्टैंडिंग पीस बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है एंड जब आप कुछ क्लासी साफ वेयर करना चाहते हो तो इस तरीके की साड़ीज़ अपने अपने वार्डरूम में ज़रूर रखना क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक होती हैं ऐसा कॉन्सेप्ट हार्डली दिखने को मिलता है हमको ऑनलाइन यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जरी विविंग वर्क जा रहा है थ्रू आउट द साड़ी ये देखिए कंप्लीटली साड़ी ऐसे ही जाने वाली है एंड ये देखो पूरा ऐसे है एंड अगर हम इसके आंचल की बात करें तो इसके आंचल पे हमको ये वाला प्रिंट मिल जाएगा जैसे कि इसके ना ऊपर और नीचे बॉर्डर्स दे रखे थे कुछ ऐसा बॉर्डर है इसमें एंड इधर हमको मिल जाएंगी ये टैसल वर्क काफ़ी ज़्यादा प्रिटिंग एंड क्लासी लग रही है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार मतलब काफ़ी सॉफ्ट है एंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ आप किसी भी कलर की ज्वेलरी वेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें मल्टी कलर के प्रिंट्स हैं मैं इसको डेफिनेटली हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी आँख बंद करके पिक करो वार्ड में कुछ इस तरीके की साड़ीज़ ना आपको क्लासी दिखाती हैं है, तो ये आपके पास होनी ही नेक्स्ट okay. साइज आपके साथ शेयर करूंगी मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग कॉट सेट एंड एक्चुअली इसको मैंने लिया कैसे फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए मुझे ये दिख गया और जब मैंने क्लिक करा तो ये अवेलेबल था इनफैक्ट इसके सारे साइजेस वहां पे अवेलेबल हैं क्रोशे का कॉट सेट एंड दिस इज़ सच अ स्टैनिंग पीस ये गर्मियों के लिए नहीं है ये आप मिड विंटर्स के लिए या विंटर्स में वेयर कर सकते हो तो मैंने अभी जो है यू नो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप अंदर से स्की वी वगैरह ब्लैक कलर की या बेज कलर की वेयर कर सकते हो अदरवाइज मिड विंटर्स में आप क्रॉपटॉप होते हैं ना वो वेयर कर लो एंड अगर ऐसे ही वेयर करोगे तो यार ठंडा लगेगा ना इसमें तो इसमें आप फुल स्लीवस के, के क्रॉपटॉप जैसे कि मैंने ट्रायॉन में वेयर किया है आप पहन सकते हो तो कुछ इस तरीके से बेज एंड ब्लैक कलर का है कॉलर्ड नेक है इसका पूरा ये देखिए ये फुल क्रोशे वर्क है ये देखिए पूरा पूरा का पूरा ऐसे ही मिलेगा एंड इसमें आप देख सकते हो ये बटन डिटेलिंग दे रखी है ये सारे बटन फंक्शनल हैं सो so दैट आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सको स्लीवलेस मिलेगा एंड इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से हो जाता है बैक साइड पे भी हमको ये पूरा ऐसे ही मिलेगा मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको इसके फैब्रिक का अंदाज़ा हो जाए ये देखिए कुछ ऐसा है एंड इसके अंडरनीथ इन्होंने हमें कंप्लीट लाइनिंग दे रखी है क्योंकि क्रोशे वर्क है ना तो इसमें ये सारे छेद छः छेद होल होते हैं तो यहाँ पर इन्होंने पूरा लाइनिंग हमको प्रोवाइड करा रखी है बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग क्लासिक ही लगता है तो इसकी जो लुक है वो कुछ ऐसी है इसके अपर की एंड इसके साथ जो हमको बॉटम मिलता है वो फुली इलास्टिकेटेड है और आप देख सकते हो कुछ ऐसा हमको ये यू नो पैंट स्टाइल में मिल जाएगा बहुत ही रेगुलर कंफर्टेबल फिट है इसका पूरा का पूरा ये कुछ ऐसे ही रहने वाला है आगे भी और पीछे भी स्ट्रेचेबल नहीं है ये बट हाँ इसकी जो फिट है वो बहुत अच्छी आई है इसमें भी हमको अंडरनीथ पूरे बॉटम वेयर पे इन्होंने सेम यू नो ब्लैक कलर का लाइनिंग प्रोवाइड करा रखा है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है एंड ये बहुत क्लासी लगता है गाइज मतलब अगर आपको सेट वेयर करने पसंद है ना तो आप इसको ट्राई करके देखना ये बहुत अच्छा लग रहा है एटलीस्ट नाइट सूट के जैसा नहीं लग रहा बहुत प्यारा है तो इस तरीके की क्लासी जो है आप किसी भी यू नो कोई बर्थडे पार्टी से अटेंड कर रहे हो या फिर यू नो ऑफिस में आप इसको बड़े कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो स के लिए भी एकदम परफेक्ट पीस है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते so रिसेंटली मैंने ना कुछ स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे और आ, इनका एक लेटेस्ट लॉन्च है जो कि मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला कि इनको शेयर करो एंड आई एम टोटली इन लव विद विज यू नो ट्यूब क्रीम ब्लशेज़ हैं ये तो इसके आई थिंक सिक्स या सेवन वेरियंट्स हैं तो मैंने इसमें ये दो लिए हैं ये पीच कलर का है एंड दिस इज़ पिंक और ये मीशो पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गए हैं एंड जेनवनली ये बहुत अफोर्डेबल है आई थिंक अंडर टू हंड्रेड रुपीज़ है जो एग्जैक्ट प्राइस होगा मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी बहुत ब्यूटीफुल है ये वाला जो है ना इसका ये शेड है ये है स्विस ब्यूटी क्रीमेटा ब्लश विथ शिया बटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड लाइट वेट फॉमूला है बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है ये इनफैक्ट आप देख सकते हो मैंने यही वाला ब्लश जो है आज लगा रखा है दिस इज रियली वेरी पिगमेंटेड जबकि दो मैंने बहुत ही हल्के से ना दो दो छोटे छोटे से डॉट्स लगाए थे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ ऐसा है ये एंड स्क्वीज बॉटल में मिल जाता है और इसका मैं दिखाऊं आपको अगर इतना सा भी आप लोग हैं ना इतना सा भी डॉट एंड आप देख सकते हो कि इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है और कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है तो ये वाला जो शेड है ना दिस इज़ क्रीमेट आप जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है करेंटली दिस लुक्स रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड ये इतने ज़्यादा प्रिटी है कि अगर आप यू you नो know, किसी भी ओकेजन में जा रहे हो आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो और दूसरा मैंने हल्का सा यू नो पीचे शेड में लिया है इसका जो यार क्रीमेटा ब्लश या बटर इसका यार शेड जो है ना एक सेकेंड शेड इसमें मैंशन नहीं है या मुझे दिख नहीं रहा नहीं दिस इज शेड नंबर फाइव चिको पिंक ये वाला जो है दिस इज चिको पिंक शेड नंबर फाइव एंड दिस इज शेड नंबर फोर विच इज़ कॉपर चीक्स तो ये वाला कलर भी जो है बहुत अच्छा है जस्ट इतना सा आप एक ना पॉइंट ले लो इसका इतना एंड दिस इज इनफ आप देख सकते हो इसको अप्लाई करके ये इसका पीच शेड है और ये इसका पिंक शेड है दीज आर सुपर पिगमेंटेड बहुत अच्छे लगते हैं एंड देन यार ये ना बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली भी है मैं जब भी भी ना पाउडर ब्लश लगाती थी मुझे थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट हो जाता था बट जब से मैंने क्रीम ब्लशेज़ या फिर यू नो ब्लश स्टिक्स वगैरह यूज़ करनी शुरू करी हैं रेगुलर uh, बेसिस पे नहीं लगाती हूँ जस्ट फॉर वीडियो शूट और आप किसी ओकेजन में जा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज़ ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है मीशो पर भी अवेलेबल है या फिर आप स्विस् ब्यूटी से भी ले सकते हो वेर एवर यू आर कंफर्टेबल जो भी मुझे इनके लिंक्स मिलेंगे मीशो के लिंक तो प्रोवाइडेड हैं ही नीचे मैं अमेजोन के भी दे दूँगी तो आपको जहाँ से कम्फर्टेबली लगता है यार एटलीस्ट एक ट्राई करके कर देखो आपको अच्छा लगता है तो इसके और भी शेड्स आप ट्राई करके देख सकते हो हाईली हाईली रिकमें रिलीज होगा इसके आज का वीडियो नो no डाउट आप लोगों को काफी पसंद आया होगा इसी तरीके के और अच्छे अच्छे कलेक्शन मीशो एमेजॉन मंत्रा से मैं शेयर करने वाली हूँ जल्दी जल्दी तो चैनल के साथ बने रहिएगा और जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिएगा टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ट सिया